شاء الله مبارك تليه بعد ستارت نهدو اپنى سيشن کو الله على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلو لقدة من لساني يبقه قولي رب زدني علما اللهم هدي قلبي وسدد لساني وصل صحيمة قلبي آمين इन आज हम अपना मेरा जीना मरना में अपने टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इनशाला स्टार्ट करेंगे और वो है रूहानी सेहत के बारे में पिछली दफ़ा हमने अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में जिस्मानी सेहत तो इन आएगा भी टॉपिक यानी अपने लाइफ के बारे में और फिर क्या कितनी इम्पोर्टेंस है अपनी हेल्थ को जैसे उसकी केयर करने की फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमें वक्त दिया उसकी कदर करने की तो आज हम देखते हैं कि जिस तरह इंसान का लाइफ स्टाइल इम्पॉर्टेंट है इसी तरह उस लाइफ स्टाइल में अपनी रूहानी सेहत को भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हमारी रूह स्ट्रॉन्ग होती है हमारी रूह मजबूत होती है तो उसका असर हमारे जिस्म पर भी होता है जैसे आप ना आजकल तो इस मिसाल को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे बहुत बात होती है ना और उसमें फिर क्या कहा जाता है कि अगर आप मेंटली स्टेबल हैं मेंटली हेल्दी हैं तो फिर उसका असर आपकी बॉडी पर भी पड़ता है जैसे आप देखें जिन लोगों को डिप्रेशन होता है तो उनके जिसम पर भी उसका असर होता है ना जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके जिसम पे भी असर होता है अगर कोई बहुत ट्रॉमा से गुजरता है किसी दुख गम से और जहनी तौर पर वो बहुत परेशान है तो उसका असर जिसम पर भी होता है तो इसी तरह आप देखें कि जिस तरह हमारी मेंटल हेल्थ हमारे हमारे लिए ज़रूरी है इसी तरह स्पिरिचुअल हेल्थ भी जरूरी है और स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसका एक जो बेनिफिट हमें होगा वो ये होगा कि स्पिरिचुअल हेल्थ या रूहानी सेहत हमें जहनी नफसियाती और जिस्मानी तौर पर मजबूत करती यानी जब आप मेंटली हेल्दी होते हैं तो आप सिर्फ अपने जिस्म को फायदा देते हैं ना रूह को नहीं देते उस तरह से लेकिन जब आप रूहानी तौर पर सेहतमंद होते हैं तो आप अपने जिस्म को भी फायदा देते हैं अपने जहन को भी फायदा देते हैं अपनी नफ्सियात को भी फायदा देते हैं ओवरऑल आप एक प्रोडक्टिव और खूबसूरत इंसान बनते हैं तो हम इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरह हम अपनी रूहानी सेहत को बेहतर बना सकते हैं जैसे आप सबको पता है कि हमारी जो ये किताब है ये इस आयत पे बेस करती है इन सलाती व नीियािया या व ममाती ला रबालमीन और इन आज हम अपनी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रूहानी जिंदगी का इसको कंटिन्यू करते और इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि मौत भी बेहतरीन हो इनशा तो रूहानी जिंदगी में कुछ चीजें मैं चाहती हूँ आप लोग बुक में अंडरलाइन कर लीजिए रूहानी सेहत, सेहत पर है और सेहत की कुंजी को अंडरलाइन करें और फिर इतमान और सुकून उसी दिल में होगा जिसमें अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत इसको अंडरलाइन करें अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत और फिर इसी तरह आप देखें कि कौन सी चीज है जो इंसान के अंदर से इस खौफ को और मोहब्बत को कम करने का बायस बनती है बस दफ़ा वो है गुनाह इंसान के तो ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी हदीस को अंडरलाइन कीजिए और हाईलाइट कर लें और ये इस आय ये आयत भी जो है ना इस हदीस का ही हिस्सा है फिर इसके बाद है कुरान और शिफा यहां पर इस जुमले को अंडरलाइन करें कि जिसमानी और रूहानी सेहत और बीमार के लिए शिफा का जामिन है यानी कुरान मजीद इसको अंडरलाइन करके और फिर इस जुमले को अंडरलाइन करें और फिर इस आयत को हाईलाइट कीजिए फिर इसके बाद आगे अगले पेज पे आ जाए इस जुमले को अंडरलाइन करें कि बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करने वालों को बहुत कम बीमार देखा गया ठीक है कर लिया सबने इतने अंडरलाइन इन सबको गुड चलें अब इन बातों को इंशाल्लाह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर डिस्कशन के दौरान आप फिर इट नोट के साथ या साइट पे फिर वो चीजें ऐड करते जाएं ठीक है तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती कि अपनी सेहत का बीमारी से पहले हमें ख्याल रखना है इंशाल्लाह और जिंदगी में इतदाद लेकर आना ना तो हमें दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होना है ना ही हमें दीन में इतना ज्यादा इंक्लाइंड हो जाना है कि फिर दुनिया को बिल्कुल ही एक तरफ छोड़ दें और तवज्जो ना किसी की तरफ दें हमें दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है अब रदील्ला से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है ए इब्ने आदम तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर लो मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा और तुम्हारा फकर दूर कर दूंगा लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ कामों में मशगूल कर दूंगा और उसके बावजूद तुम्हारा फकर दूर करूंगा तो यहाँ पर आप देखें कि एक चीज जो हमें सिखाई जा रही है वो क्या है एतदाल यानी अपने आप को इतना ज्यादा ऑक्यूपाई ना करें दुनिया में कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्त ही ना बचे यानी यहाँ पर हमें एक चीज जो बताई जा रही है वो ये है कि जब इबादत का वक्त है तो उस वक्त आपने अपने आप को फ्री करना है जैसे मसलन कौन सी इबादत का वक्त हो गया आपका आपकी नमाज का टाइम अब जैसे मसलन आप काम कर रहे हैं सुबह से सुबह से आपकी एक रूटीन चलती आ रही है अब क्या है कि अब आपकी नमाज का टाइम आ गया तो फिर आप क्या करेंगे आप वो सारी चीजें छोड़ के उनसे ब्रेक लेंगे अपने को फ्री करेंगे ज़हनी, जिसमानी रूहानी तौर पर तैयार करेंगे और फिर आप नमाज पढ़ेंगे फिर नमाज के बाद यू कैन कैरी ऑन और फिर आप देखें कि जो अल्लाह सुबहाना ने नमाज के औकात रखे हैं ना तो उसमें भी बहुत हिकमत है और वो हमत हमें ये नजर आती है कि जैसे जब आप पूरा दिन पांच नमाजें पढ़ते हैं तो वो नमाज आपको एक तरह से आपकी बैटरी को चार्ज करने का सबब बनती है ना तो इन शाह तरह जब आप सोचेंगे कि मुझे अपनी इबादत की प्लानिंग करनी है तो आप देखना कि वो चीज़ आपके लिए कितनी प्रोडक्टिव साबित होगी फिर इसी तरह मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा इसका क्या मतलब है कि यानी अल्लाह सुबहाना हमारे दिल को एक सुकून और इतमान दे देंगे और फिर जो दुनिया की फिक्रें परेशानियाँ उसमें एक्सेप्टेंस हमारे अंदर ज़्यादा आ जाएगी फिर हम अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाएंगे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे हम बार बार गलतियों को दोहराएंगे नहीं बल्कि उनसे सीखेंगे ये सब चीजें बेनियाजी में आ जाती और इन इन अदर वर्ड्स और फिर क्या होगा दूसरा तुम्हारा फकर दूर कर दूंगा यानी बाज़ा आप देखें कि आपकी कोई ऐसी भी जॉब हो सकती है ना जिसमें आप मस बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं बहुत ज्यादा आप हर वक्त जैसे उस चीज़ में मसरूफ हैं तो अब यह है कि जैसे आप अगर ये सोचें हो वो नमाज के लिए मैंने पंद्रह मिनट निकाले तो ये नुकसान ना हो जाए इस टाइम ये सेल्स हो सकती हैं इस टाइम ये डील हो सकती है उस वक्त तुम सारी बातों को भूल जाएं क्या सोचें कि जब आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्त निकालेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में और बरकत देगा और फिर आप देखें दूसरा क्या अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ कामों में मशगूल कर दूंगा और उसके बावजूद तुम्हारा फकर दूर नहीं करूंगा। यानी जो लोग बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना वर्क कॉलिक हर वक्त काम 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 और ना इबादत के लिए टाइम है ना फैमिली के लिए टाइम है ना अपने आप के लिए टाइम है तो आप देखें इतनी डेडिकेशन के बावजूद भी उनकी जिंदगी में बेसकूनी है और उनका दिल भरता ही नहीं ताला तो अल्लाह तला की तरफ से टेस्ट होता है और एक रिमाइंडर भी होता है कि तुम अपने आप को इबादत के लिए भी फारग करो ये जिंदगी नहीं है कि बस माल के पीछे भागते जा रहे भागते जा रहे तो इसलिए आप देखें कि जिस तरह हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक रूटीन बनाते इसी तरह हमें अपनी रूहानी सेहत का भी ख्याल रखना है इनशाला और रूहानी सेहत की कुंजी क्या है इतमाना निकल सबसे पहली चीज जो आपको अपने अंदर स्ट्रांग करनी है या जिस पर काम करना है वो आपका दिल है जब आपका दिल मुतम होगा तो इनशाला आपकी रूह भी नरिश करेगी वो भी परवान चढ़ेगी उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ रुझू करने की बहुत सारी खसूसियात पैदा होंगी इनशाला फिर आप देखें कि ये भी अभी हमने पढ़ा कि इतमान और सुकून किस दिल में होता है कुछ याद है आपको किताब में अभी क्या आपने पढ़ा था कि कौन सी दो चीजें होती हैं जिससे हमारे दिल में इतमान और सुकून आता आप कोई और भी चीज लिख सकते हैं जैसे आपको लगता है कि ये अगर चीज दिल में हो तो इतमान और सुकून होता है शाबश अल्लाह की रजा पर राजी अल्लाह की मोहब्बत तकवा वाला दिल वेरी गुड एक्सिलेंट माशा मुबारक तकवा हो गया अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत तो आप देखिए कि वो दिल इतमान पाते हैं जिसमें अल्लाह ताला का खौफ भी होता है यानी हम हर वक्त अल्लाह ताला का तकवा हमारे अंदर मजबूत होता है हर वक्त ये एहसास रहता है कि मुझे अपने हर अमल का अल्लाह को जवाब देना है। और दूसरा अल्लाह की मोहब्बत और ये सारी चीजें फिर आप उसके अंडर ला सकते हैं जैसे आफियत कनात वगैरह इबादत वक्त पर करना बिल्कुल जैसे आप देखें इबादत कब वक्त पर करेंगे जब आपके अंदर तकवा होगा अल्लाह का और अल्लाह से मोहब्बत होगी यही चीज हमें इबादत की तरफ लेकर जाती है तब तो भी फिर तकवा की कैटेगरी में आ जाएगा अल्लाह की मोहब्बत की कैटेगरी में तो ये दोनों चीजें बहुत सारी फिर और बातें कवर कर लेती हैं फिर इसी तरह आप देखें कि एक और पॉइंट हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के खौफ और मोहब्बत की अलामत क्या है यानी ये तो हमें पता है कि इतमान कल्ब के लिए अल्लाह ताला का खौफ होना जरूरी है तकवा और अल्लाह की मोहब्बत ज़रूरी है लेकिन इसका साइन क्या होगा प्रैक्टिकली कैसे हमें नजर आएगा कि मेरे अंदर अल्लाह ताला का तकवा भी है खौफ भी है और मुझे अल्लाह से मोहब्बत भी है शाबाश शाब, आप सुन्नत को फॉलो करते हैं और बुराई से बचते हैं वेरी गुड और क्या करेंगे आप तोबा करते हैं जैसे आपसे गुनाह हो जाए शाबाश, सदका खैर करते हैं बिल्कुल तो मेन चीज आप देखें कि क्या है कि जब इंसान के अंदर अल्लाह की अल्लाह की मोहब्बत और खौफ होता है तो गुनाह की तरफ मायल नहीं होता बिल्कुल नेकी के कामों की तरफ मायल होता और फिर अगर गुनाह कर भी बैठे तो फौरन तोहबा यानी ये दो आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया uh, है ये जैसे आप देखिए मसलन आपको कोई बात पता चली किसी के बारे में और आपका दिल करता है वो अच्छा ये तो पता चल गया मुझे उसकी तलाक क्यों हुई थी तो अब क्या है कि आप कितने अच्छे चलो मैं आप बताती हूँ अपनी बहन को कॉल करके बताती हूँ अम्मी को बताती हूँ फ्रेंड को बताती हूँ किसी को बताती हूँ कि मुझे पता चल गया अब उस वक्त जब आप ये सोच लें ये तो हिबत में आ जाएगा ये तो गुनाह की बात है कि किसी के ऐप को या बुराई को उछालना तो फिर क्या होता है आप अपने आप को रोक लेते हैं जैसे आप देखें शैतान आपको आपके दिल में वसल से तो डालेगा बार बार ऐसी बातें और ऐसी चीजें डालेगा लेकिन अगर आप को याद आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ है और आप फौरन सोचते हैं कि आज अगर मैंने कर लिया तो कल यही मेरे साथ भी होगा क्योंकि दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं ना पलट के हम पे आता है जिसको आप कहते हैं ना कि बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है अच्छाई करते हैं तो अच्छाई पलट के आप पर ही आती है बुराई करते हैं तो बुराई भी पलट के आप पर आएगी तो एक ईमान वाले को ना ये एहसास हर वक्त रहता है कि मुझे अपने आप को गुनाहों से बचाना है और अपने आप को भी और ऐसी चीजों से भी जो मैं दूसरों के साथ करूं और वो गुनाह में आते हैं फिर आप देखें चूंकि हम इंसान हैं कमजोर हैं तो फिर क्या होता है कि अगर गुनाह हो जाता है हमसे तो फौरन फिर गिल्टी फील करते हैं आप फौरन एहसास हो जाता है और वो जितना ज्यादा एहसास मजबूत होता है उतना जल्दी इंसान इस्तेफार करता है जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपसे कोई गलती होती ना तो फौरन आप गिल्टी फील करना शुरू करते मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था ऐसे नहीं करना चाहिए था और फिर आप फौरन इस्तफार करते हैं आप कोशिश करते हैं सॉरी कर लें यू you नो know, वो चीज खत्म हो जाए ताकि आपका दिल पुरसकून हो जाए तो जिसको कहते हैं ना कि जमीन हमारा जितना जिंदा है तो इससे इस, इस सारे डिस्कशन से हमने ये बात सीखी कि हमारी जो रूहानी सेहत है वो सेहतमंद दिल से स्टार्ट होती है अब दिल का गुनाहों से क्या ताल्लुक है ना ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि इंसान के दिल से सुकून चला जाता है किस तरह से अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों की वजह से तो आप रिलेट कर पा रहे ना कि सबसे पहले हमने देखा कि इंसान की रूहानी सेहत इतमान कल में वो कैसे आता है अल्लाह की खौफ और मोहब्बत से अल्लाह की खौफ और मोहब्बत की अलामत क्या है इंसान के अंदर गुनाहों की तरफ मायल नहीं होता पहचान जाता तो गुनाह को फौरन इस्तेफार करता लेकिन अगर उसके दिल में इतमान कल्ब नहीं है वो इंसान पुरसकून नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में इन दोनों में से कोई एक चीज है या तो वो कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो अल्लाह की नाफरमानी है और या वो गुनाह करता और उसे पता नहीं चलता क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है अगर वो गुनाह छोड़ दे इस्तिगफार करे और तौबा करे तो उसका दिल साफ हो जाएगा अगर वो गुनाह की तरफ लौटता है तो स्याही उस वक्त तक बढ़ती जाएगी जब तक उसके दिल पर ग़ालिब ना आ जाए और उसी का नाम रहिन है जैसे आप देखें आपने गुनाह किया आपका दिल पे ब्लैक स्पॉट लग गया अब क्या है फौरन आपने इस्तगफार की और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे तौफीक दे कि मैं अपने आप को इस गुनाह से बचाऊं आप इरादा करने आप कभी जानबूझ के उसको नहीं करेंगे तो साथ ही आपने वो जो ब्लैक स्पॉट था ना उसको साफ कर दिया लेकिन अगर आप करते जाते करते जाते तो फिर दिल काला होता जाता होता जाता होता जाता है और फिर आप देखें जब बिल्कुल वो काला हो जाएगा तो कहाँ अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत मां नजर आएगी क्योंकि गुनाहों से इतना भर गया और रैन इसका जिक्र अल्लाह सब तक मजीद में भी किया कल्ला बल

क्योंकि आप अपने दिल के काले धब्बे जो है वो साफ कर रहे होते हैं तो इसी तरह आप देखें अगर दिल को सुकून इतमान नहीं मिल रहा तो इस तकफार की कसरत करें इतनी ज्यादा जब तक आपका दिल सुकून में ना आ जाए फिर हमने ये सीखा कि अगर हमारा दिल बोझल महसूस करे तो हमें क्या करना चाहिए तो वो आगे हमें नेक्स्ट स्टेप मिल गया इस तकफार के साथ साथ कुरान यस yes. क्योंकि आप देखें ना एक तो हम जिक्र करेंगे और दूसरा हम कुरान की भी तिलावत एक्स्ट्रा करेंगे ताकि हमें रिमाइंडर्स मिलें याद दहानी मिले और बार बार हम अल्लाह ताला की रहमत के बारे में पढ़ें ये भी देखें कि जहां अल्लाह रहीम है वहीं गुनाहों पर पकड़ता भी है कुरान को पढ़ के यही बातें याद आती ना बार बार इंसान को तो इसलिए जब आपका दिल बोझल है परेशान है तो उस के साथ साथ कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत करें अब आप देखें कि कुरान मजीद उस जंग को उतारने का तरीका है जो कि गुनाहों की वजह से चढ़ जाता है हमारे दिल पे, ठीक है आप उसी से रिलेट करें इसको कि दिलों को जंग लग गया अब हमने उस जंग को उतारना कैसे है जो रान आ गया जो रईन आ गया ना उसका उतारें कैसे वो तरीका भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया अब्दुल्ला बिन उमर रदी से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिलों को इस तरह जंग लग जाता है जैसे लोहे से पानी को जब किसी ने पूछा दिलों को कैसे साफ किया जा सकता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत करना तब आप देखें मौत को कसरत याद करने का क्या मतलब ये नहीं आप हर वक्त ये कहें मुझे मर जाना है मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी ये कसरत याद नहीं होती कसरत याद क्या है आपके ख्याल में इस जुमले का क्या मतलब है क्योंकि बाज़ा हम इसको ना सही अंडरस्टैंड करते मौत को कसरत याद करना शाबाश वेरी गुड उसकी तैयारी करना हर वक्त याद रहना ज्यादा स्ट्रगल हमारे अमल से ना

मेरे लिए कितना मेरे पास कितना कम टाइम है बेस्ड ऑन कितनी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है आजकल ये सारी चीजें तो इंसान फिर अपने हर सेकंड से फायदा उठाने की कोशिश करता जब मौत याद होगी तो अमल भी दुरुस्त होगा एग्जैक्टली नू में हम दौड़ लगाएंगे दुनिया से अटैच नहीं होंगे ज्यादा और तो फिर आप देखें कि दुनिया के गम हमें ज्यादा परेशान नहीं करते जब हमें मौत याद होती है जैसे आप पे कोई दुख गम तकलीफ का वक्त है ना तो जिस इंसान को मौत याद होती है वो क्या कहता है कि ये सब चीजें तो इस दुनिया के साथ ही आखिरत में तो अल्लाह सुबहाना मुझे सबर शुक्र पे अजर देंगे तो वो मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है और दूसरा कुरान की तिलावत करना क्योंकि आप देखें कि तिलावत कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए जिस्मानी और रूहानी सेहत और बीमार के लिए शिफा है यानी कुरान एक मुकम्मल थेरेपी है आप इसको कह सकते हैं जितना ज्यादा कुरान उतनी ज्यादा हेल्थ फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल अल्लाह सुबह तला ने कुरान पाक में सूर्य बनी स्टाइल आयत तेटी में फरमाया वनुनजिलुमिन कुरानी माहू व शिफाऊ व रहमतुल्लिल मुमिनीन और हमने कुरान नाजिल किया है जो तमाम मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस बात को की तस्दीक कर दी और जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो फिर तो कोई दूसरी बात नहीं और वही बात है आप देखें कि बाज दफ़ा कुरान थेरेपी बड़ा हेल्प करती है आपको एक दफा एक सिस्टर कहती थी कि उनको ना जब गुस्सा आता था तो रोना बहुत ज्यादा आता था तो वो कहती कि मैंने ये किया गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कि जब मुझे गुस्सा आता था मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देती थी ऊँची आवाज़ में और वो कहती उससे मुझे हेल्प हुई अलहमदुल्ला मेरा कैथारसिस होता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया तो आप अपनी थेरेपी कर इंतहाई गमगी है कुरान पढ़ना शुरू करना बहुत ज्यादा खुश हैं हाइपर हो नहीं कुरान पढ़ना शुरू कर कुरान हमें ना टोन डाउन कर देता है एकदम से क्योंकि कुरान मजीद हमारी जिंदगी को खैर से भरने वाली किताब है अल्लाह सुबहान तआला फरमाते सूरह यूनिस में या युहन्नास कज्जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदा व रहमतुल लिल लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शिफा है और जो इससे कबूल करें उनके लिए रहमत यानी कुरान हमें हर जगह गाइड करता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें कुरान गाइड बुक है हमारे लिए और अल्लाह के रसूल सल्म ने उस गाइड बुक को प्रैक्टिकली करके दिखाया और फिर आप देखें कि इब्न कैम भी कहते हैं कि दिलों और जिस्मों की बीमारियों में से कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज और उसके सबब की रहनुमाई का जरिया कुरान में मौजूद ना यानी हर बीमारी का इलाज कुरान में जैसे आप देखें कि आप कुरान पढ़ते हैं और फिर आप दुआ मांगते हैं ना अपने लिए अल्लाह मुझे सेहत आफियतवर या आप जैसे आप किसी तकलीफ में तो आप कहते चलो कुरान अल्लाह ताला की तरफ से शिफा है रहमत है मैं कुरान की तिलावत करूं अब रहनुमाई कैसे आपको मिलती है कि आप उस तकलीफ में किसी से आपकी बात हो जाती है कोई आपको कोई टोटका बता देता है कोई आपको कोई दवाई बता देता है किसी डॉक्टर का बता देता है तो ये सारी कुरान की बरकत से हमें रहनुमाई मिलती है। यानी हम तकलीफ में होते हैं जैसे आप देखें उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि उनको तीन महीने से कोई खास तकलीफ थी कोई ना और वो कहती है कि मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे करो एक खीरा ले लेकर आओ और पूरा खा लो भी अच्छा वो कहती है कि मैं चूंकि वो कहती मैं एंटीबायोटिक नहीं ले सकती थी प्रेगनेंसी की वजह से तो कहती कि मैंने पूरा खीरा खाया और सुबहान उस खीरे में उस कुकेम्बर में मेरे लिए शिफा रख दी और विद इन एन आवर में बिल्कुल मेरी वो तकलीफ खत्म हो गई तो अब आप देखिए ऐसा होता है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं सुनते हैं तो अल्लाह सुबहाना आपकी किसी से बात करवा देते है कोई आपको एक छोटी सी बात बताता है और अल्लाह ताला उस चीज में आपके लिए शिफा रख देते है तो इसलिए कुरान जितना ज्यादा हमारी जिंदगी में है उतना ज्यादा हम मुतमिन और खुश रहेंगे इनशा और फिर आप देखिए ना सिर्फ कुरान हमें जिस्मानी सेहत देता है या हमारी जिंदगी में बरकतें भी ले आता है। हुई मुबारक ये एक किताब है हमने से आपकी तरफ नाजिल किया बहुत बाबरकत है और बाबरकत कैसे है बादन कहा करते थे कि हम कुरान पढ़ने में मशगूल हुए तो हमें दुनिया में बरकत और खैरात ने ढांप लिया यानी जैसे आप माशाल्लाह सब कुरान स्टूडेंट्स है ना तो आजकल तो आप देखें आपका ज्यादा टाइम कुरान के साथ गुजर रहा है क्योंकि जब कोर्स एंड हो रहा होता है ना तो फिर उसमें बहुत सारी जैसे आपकी कुजेज भी जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं तर्जमे का सबक भी ज्यादा होता है तो आपका ज्यादा वक्त कुरान के साथ गुजरता है आप कभी भी ये ना सोचें ओ हो, हो इसकी वजह से ये काम रह गया वो रह गया आप अगर इखलास के साथ कुरान मजीद के साथ वक्त गुजारेंगे चाहे वो इसकी तिलावत की शक्ल में हो चाहे तफसीर की शक्ल में हो तर्जमा याद करना है तजवीद का सबक है हैं आपकी जिंदगी में बरक़ात और खैरात आ जाएंगी इनशा अच्छा जब नहीं आती तो उसकी वजह क्या होती है इखलास की कमी होती है हम अम उस अमल को अल्लाह के लिए खालिस करके नहीं कर रहे होते तो जब आपको लगे ना मैं तो इतना ज्यादा कुरान पढ़ती हूँ तो गुजरता है लेकिन मुझे तो नहीं कहीं नजर आ रहा तो फिर आप अपनी नीयत चेक करें क्या आप उन सब कामों को करते हुए अपने आप को ये याद करवाते हैं कि आप अल्लाह के लिए कर रही हैं ये काम आपका झिला है क्योंकि जो काम अल्लाह के लिए खालिस होता है वो हमारी जिंदगी में बरकतें लेकर आता अबू हुरैरा का बहुत खूबसूरत कॉल है अब अल्लाह ने कहा करते थे कि बेशक कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं शयातीन इस घर को छोड़ देते हैं और इसकी खैर बरकत पड़ जाती अब आप देखें कि आपके लिए घर कुशादा हो जाएगा आपका यानी फिर आप ये नहीं कहेंगे मेरा इतना छोटा घर है वो छोटा सा घर भी आपको महल लगेगा और फरिश्ते आएंगे उस घर में फरिश्ते क्या लेकर आते हैं ये बताएं अगर कहा जाए इस घर में फरिश्ते हाजिर होते हैं तो उसका क्या मतलब है शाबाश इस घर में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें बिल्कुल फरिश्ते आते हैं तो दिल को सुकून भी पहुंचाते हमारे कुरानी मजीद में आता है ना कि फरिश्ते आके क्या कहते हैं नाहनिया दुनिया और आखिरत की तुम अकेले नहीं हो आपको तन्हाई का एहसास नहीं होता तो सकीनत नाजिल होती बिल्कुल और फिर शयातीन उस घर को छोड़ देते जहां पे कुरान पढ़ा जाता है शैतान का छोड़ना क्या है गुस्सा भी नहीं आएगा आपको सब्र ज्यादा होगा शुक्र गुजारी ज़्यादा होगी घर वालों में आपस में प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा गलत फहमियाँ कम होंगी बदगुमानियां कम होंगी नफरतें कम होंगी हसत कम होगा क्योंकि सारे काम शैतान के हैं हमारे दिलों में हसत डालता है नफरत डालता है बदगुमानी डालता है जब शैतान घर से चला जाएगा तो फिर तो प्यार ही प्यार और मोहब्बत ही मोहब्बत होगी गलतियों में भी हम दूसरे को स्पेस देना सीखेंगे माफ कर देंगे आसानी से वरना तो आप देखें कि छोटी सी बात बात बड़ी हो जाती है कि आप सोचते हैं कि चाहे इतनी बड़ी बात थी चाय में चीनी नहीं डाली बाज दफ़ा इतनी सी बात भी इतने फसाद का बाइस बन जाती और फिर इसकी खैर और बरकत पड़ जाती तो आप देखें अल्हमदुल्ला अगर अल्लाह सुबहान तला ने हम सबको कुरान का बनाया तो अल्लाह का बहुत एहसान और शिक्र है कि इसकी वजह से हमारे घरों में कितनी बरकत तो लिहाजा जितनी कुरान की तिलावत उतनी बरकत और अलबर का अले काफ्सिक वहलिक व मालिक वक्त ये बरकत आप हर चीज में महसूस करेंगे कुरान की अपने नफ्स में अपनी फैमिली में अपने माल में और अपने वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस ही बताती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में इसकी तालीम तलीमो तदरीस में मसरूफ होते हैं उन पर शकीनत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं अब आप देखें कि पिछली अबू हुरैरा का जो कॉल था उसमें क्या था कुरान की तिलावत होती यहां पर आप देखें तालीम तदरीस की बात हो रही है जैसे आप सब कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह के घरों में से किसी घर में यानी आप अपने घर में बैठ के कुरान की तालीम तदरीस का काम कर रहे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं या सिखा रहे हैं तो फिर क्या होगा आप पर सकीनत नाजिल होती है अल्लाह की रहमत ढांप लेती है फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह ताला हमारा जिक्र करते हैं अपने पास मौजूद फरिश्तों में यानी कितना ऑनर आप देखें दिया जाता है हम सबको क्योंकि हम अपने घर में बैठ के तालीम तदरीस से मसरूफ है इस किताब की कोई और चीज हमें इतना ऑनर दे सकती है यानी घर में कुछ लोग होम बिजनेस भी करते हैं ना तो होम बिजनेस से आप ये चीजें नहीं फायदा उठा सकते वो भी करें लेकिन ये जो वक्त आप निकाल रहे हैं ना कुरान के लिए इसको बहुत फ्रूटफुल और बहुत प्रोडक्टिव बनाएं इसको इंजॉय करें खुशी ये चीज आपके लिए लेकर आए फिर आप देखें कि जैसे ये आयत हमने पहले भी देखी कि जिसम और रूह को इससे शिफा मिलती है और एक उसकी दलील इब्ने अब्बास का ये कॉल है अब हम रूहानी और जिस्मानी सेहत की बात हैं ना अब देखिए जिस्म पर एक असर कुरान का ये भी होता है और वो क्या है इब्ने अब्बास नुमा कहते हैं कि जो कुरान पढ़ता है वो अर्ज़ल अर्जलर की तरफ नहीं लौटाया जाता कि वो जानने के बाद भी कुछ ना जान सके और यही अल्लाह अजब वजल का फरमान है आमनु फिर हमने उसको पस्तरीन हालत की तरफ पलटा दिया सवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने फरमाया उन लोगों के जिन्होंने कुरान पढ़ा यानी कुरान हमें मैंटली भी हेल्थी रखता है हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है ये जो है ना कि अर्जल उम्र क्या होती है कि जानने के बाद भी कुछ ना जान सके जैसे आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में क्या होता है बातें याद नहीं रहती इतना नॉलेज होता है पूरी जिंदगी इतना इल्म हासिल किया होता है पीएचडी तक पढ़ जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर होते हैं लेकिन बुढ़ापे में कुछ भी याद नहीं रहता तो उसकी एक वजह क्या है कि रूहानी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी होती कुरान से कोई ताल्लुक नहीं कायम किया होता तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है कुरान मोर कुरान इंशाल्लाह तो अल्लाह सुबहाना आपको इस चीज से महफूज रखेंगे कुरान की बरकत से कि वो लोग जो आपको पता है कि अल्जाइमर और पाकिसा ये सारी जो बीमारी है डिमेंशिया ये सारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स है ना यानी ब्रेन में ब्लड की सर्कुलेशन वो चीज कम हो जाती है ना लेकिन कुरान मजीद आपको इन सारी बीमारियों से इंशाल्लाह महफूज रखेगा जी हाँ बिल्कुल डिप्रेशन वगैरह फिर इसी तरह आप देखें कि यह भी बहुत प्यारी हदीस है कि जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो अगर आपके पास बहुत माल नहीं है तो आपको सदका करने का भी सवाब मिलता है उबा बना जहनी रदी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने वाला ऐसे है जैसे ऐलानिया तौर पर खैरात करने वाला और आहिस्ता कुरान पढ़ने वाला ऐसे जैसे चुपके से खैरात करने वाला यानी आप माल का भी सदका करें और कुरान की तलावत का भी सदका करें और वो कैसे ऊंची आवाज, आवाज में पढ़ें कभी आहिस्ता आवाज में पढ़ें जैसे आपकी क्लास में तीद की क्लास हो तो ऊंची आवाज में पढ़े खुद प्रैक्टिस करते हैं तो जरा आहिस्ता आवाज में तो सदके का सवाब इन शाह आप पाएंगे फिर आप देखें कि अगर हमारा कुरान से ताल्लुक ना हो या कमजोर हो तो इसके नुकसान भी होते हैं और ये नुकसान फिर हमारी रूहानी सेहत को डैमेज करता है जैसे मसलन इंसान की गुमराही का बायस बनता है शैतान और बुरे साथी मुसल्लत हो जाते हैं घरों से बरकत उठ जाती है दुनिया की जिंदगी तंग और आखिरत में इंसान अंधा उठाया जाता है आखिरत में सख्त सजा मिलती है क्यामत के दिन रसाई का सबब है यानी अगर आप इन सारे नुकसान को देखें तो इसका खुलासा क्या है कि इंसान एक बेसकूनी की जिंदगी गुजारता दुनिया में बेबेकून और बगैर किसी खुशी और उसके इतमान के और आखिरत में भी ऐसे और अल्लाह ने कुरान मजीद में, में हमें इस बारे में वन भी कर दिया मन आ रू फू यू योमल क्यामती जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा यानी कुरान से तो क्यामत के दिन सख्त बारे गुना उठाएगा और फिर एक और आयत में क्या कहा गया कि उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क्यामत के रोज हम उसे अंदा उठाएंगे यानी जो अल्लाह ताला के जिक्र से अल्लाह की किताब से मुंह मोड़ मोड़ता है तो उसके लिए दुनिया की जिंदगी भी तंग हो जाती है। और फिर अबू अब का एक और कॉल है वो तो फरमाते हैं कुरान ना पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है फरिश्ते उसको छोड़ देते हैं शयातीन इसमें बसेरा कर लेते हैं और इसकी खैर बरकत कम हो जाती यानी सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी घर तंग यानी आप महल में रह के भी आपको एक कन्फाइनमेंट आपको लगता है आप प्रिजन में रह रहे हैं फरिश्ते भी नहीं आएंगे फरिश्ते नहीं आएंगे तो अल्लाह की रहमत भी नहीं होगी शैतान जिस घर में रहेगा वहां पे क्या होगा नफरतें बदगुमानिया हसरत हर वक्त एक दूसरे से लड़ाई झगड़े बदकलामी बद, बद अखलाकी बदजबानी ये सब चीजें शैतान करता ये सब चीजें हो रही हैं इसका मतलब कुरान कम है और शैतान ज्यादा है वहां पर और फिर खैर बरकत भी कम हो जाती है तो अब आप मुझे अपने कुरान से ताल्लुक का लेवल बताएं इन सारी बातों को जहन में रखते हुए जो मैंने अभी आपको बताई पुअर है फेयर है गुड है एक्सीलेंट है क्या लेवल है आपका इस सब कुरान के साथ है? अपना पूरा वीक देखें और बताएं माशाला माशाला मुबारक गुड है एक्सीलेंट है क्या आप अपने इस लेवल से इस ताल्लुक से मुतमिन है जो अभी आपका कुरान के साथ है सेटिस्फाइड है आप कि और अच्छा करना चाहिए और करना है ना इनशाला अब क्या करना है हमें इनशाला अगर पुअर है तो फेयर तक लेकर आए फेयर से गुड पे आए गुड से एक्सीलेंट एक्सीलेंट से डिस्टिंगशन पे आ जाए और ज्यादा करना और इसका फायदा क्या होगा अल्लाह सुबहान तला फरमाते कुरान हर जमा की जाने वाली चीज से बेहतर है ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है कुल बिफदिल्ला व बिरहमत ही फबिदाली का फल यफ रहू कहो कि अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी यानी कुरानी मजीद इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम इस दुआ पे अपने सेशन को करते आप सब इस दुआ को मेरे साथ मांगिए अल्लाज अल कुरआन रबी अलबी नूर सदरी एस कुरान को मेरे दिल की बहार और मेरे सीने का नूर बना ले आमीन खैरन कसीरा बारकल फीको سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وياكم امين